ओके सो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेरिवेशन वाला ही काम थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में आपसे क्या कहा गया है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलोस्फीयर का कैलकुलेट करना है यूजिंग रिंग एज एन एलिमेंट, ठीक है। ट्राई करते हैं, तो क्या किया हमने, किसी एंगल थीटा पे डी थीटा ले लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा पे डी थीटा, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है, शायद 2/3 mr². हाँ, सो ये लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है, और फिर ये जो एक स्ट्रिप बनेगी, रिंग बनेगी एक पतली सी, तो वो रिंग का मास कितना होगा अगर मैं पूछूँ तो आप कहोगे रिंग के मास के लिए टोटल मास अपॉन 4πr² मास पर यूनिट एरिया इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना है, तो आप कहोगे इसका लेंथ है आर डी थीटा और सॉरी इसका लेंथ है 2π इंटू ये वाला रेडियस कितना है आर कॉस थीटा, तो 2πr cos θ, और फिर उसका विड्थ कितना है, तो उसका विड्थ है आर डी थीटा। ये हो गया मास इस रिंग का। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप कहोगे इसका रेडियस बता दो। अब रिंग का फॉर्मूला हमको पता है, रिंग का फॉर्मूला क्या होता है उसके सेंटर के अबाउट, केवल mr², ठीक है। m कितना है रिंग का, इतना है m/4πr² इंटू 2πr² कॉस थीटा डी थीटा, ये इसका मास है इंटू r² आर कितना है, तो अभी बताया r कॉस थीटा के बराबर है होल स्क्वायर, ये di हो गया। इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, अब गलत आंसर नहीं आना चाहिए, जीरो से पाई बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, हाँ सही आंसर मेरे ख्याल से आप बता रहे हैं, क्या आंसर है, आप कॉन्फिडेंस नहीं अपने आंसर पे, पर आपका गैस सही है मेरे ख्याल से, -π/2 से +π/2, ये किसका है, विनीत का कॉल आ रहा है, ले लीजिए आप जो भी है जिनका भी है। ओके ठीक है, हाँ सो माइनस, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप कहेंगे थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, थीटा जीरो से अगर π/2 वेरी होता तो क्या होता, तो यहाँ से वेरी होता और ऊपर तक पहुँचता, जीरो से π/2 होता तो ऊपर का हाफ स्फीयर बनता, ठीक है। बट ये थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये नीचे भी जाएगा, नीचे भी रिंग्स बनानी है, इसलिए थीटा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। इत्तेफाक से अगर आप जीरो से पाई कर देते तो भी आंसर सही आ जाता, पर वो हमेशा हर केस में वो चीज़, क्योंकि वो मेथड गलत है इसलिए वो सही नहीं होगा। ओके सो आई आ जा रहा है, आप कह रहे हैं 2/3 mr², ठीक है, कौन सा है ये 2π, हाँ ये क्या चीज़ है, हमने क्या लिखा मास पर यूनिट एरिया, वो तो ठीक है समझ में आ गया, फिर इस रिंग का एरिया लिख रहे हैं, इस रिंग का एरिया, ये रिंग का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड टाइप की चीज़ कहते हैं, तो इस रिंग का लेंथ कितना है, सरकमफेरेंस पे डिपेंड करेगा, सरकमफेरेंस होता है 2π r जो रेडियस है, और वो रेडियस r cos थीटा है, 2π r cos θ इंटू डेट, ठीक है। होलोस्फीयर बना लिया, अब क्या बनाना है हम लोग को, सॉलिड स्फीयर बनाएंगे सीधे, ठीक है। अच्छा इसको किसी और एलिमेंट से कर सकते हैं, अभी तक किसके इसके बारे में पता है हमको, रॉड के बारे में पता है और रिंग के बारे में पता है, डिस्क के बारे में पता है, ये तीन चीज़ें पता है, डिस्क से तो नहीं कर सकते, डिस्क 2D चीज़ है, ये भी 2D चीज़ है, तो डिस्क से नहीं कर सकते, रॉड से कर सकते हैं क्या,
तो रॉड तो सीधा होता है, रॉड से कैसे बनाओगे आप ये? ठीक है, अच्छा एक और तरीका है हाँ, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने रिंग निकालते समय सेंटर से Z डिस्टेंस पे DZ वेट लिया था और फिर ये जो वेट थी उसके हिसाब से कुछ इंटीग्रेट वगैरह करके आंसर लेकर आए थे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका रिंग में यूज़ किया था, वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हैं, प्लस एक हॉलो स्फीयर तो ये ऑलरेडी है, हॉलो सिलेंडर से, हॉलो सिलेंडर से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक है, किससे? आधे रिंग से, आधे रिंग से काम वही पड़ेगा, आधे रिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, डबल कर देंगे उसी चीज़ को तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वर्टिकल रिंग ऐसे करके ले सकते हैं, वर्टिकल रिंग के, अच्छा हम लोगों ने डिराइव किया है कि नहीं, ये नहीं डिराइव किया है। तो रिंग है, उसके सेंटर से किसी डिस्टेंस एक्स पे एक एक्सिस है उस रिंग के प्लेन के पैरेलल में, तो क्या ऐसा कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव मेरे ख्याल से नहीं किया है। ठीक है, इसको डिराइव करना पड़ेगा, करें क्या इसको, कैसे डिराइव करेंगे इसको, करो डिराइव। अच्छी चीज़ सामने आ गई प्रोसेस में, ये रिंग है, रिंग कैसा रिंग है, तो आप रिंग जो है, रिंग इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, और जो एक्सिस है रिंग के सेंटर के जस्ट सामने है किसी डिस्टेंस डी पे, रिंग ऑफ रेडियस आर मास एम। ठीक है, और एक्सिस कैसा है, तो ये रिंग है मान लो, ठीक है, उसके सेंटर के सामने सीधा ऐसा एक्सिस है, तो वो रिंग कैसे घूमेगा, कड़ा वगैरह है किसी के पास, कड़ा वगैरह किसी के पास है क्या, किसी के पास नहीं है, वो वायर दे दो, हाँ गोपाल वायर दे दो, हाँ निकाल के दे दो, हाँ ठीक है। सो ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, रिंग के पैरेलल में एक एक्सिस है, तो जब ये रिंग घूमेगा तो इसके अबाउट इस तरीके से घूमेगा, ऐसे एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंफर्टेबल रहेगा इस रिंग को, पहले आप इस प्लेन में बना लो, ये जो बाहर एक्सिस है इसका डिस्टेंस हो गया डी, ये पिक्चर आपके लिए कंफर्टेबल पड़ेगा। चलो इसमें मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, आप आर डी थीटा मेथड यूज़ करो, यहाँ से किसी एंगल थीटा पे डी थीटा ले लो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस केस में। डीएम बताएंगे इस केस में, इस स्मॉल पीस का मास कितना होगा, एम बाय लेंथ यानी कि 2πr इंटू आर डी थीटा, सिंपल। डीएम तो बहुत आसान था, ठीक है, और क्या चीज़ चाहिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस किसका, किससे डिस्टेंस चाहिए, फॉर्मूला छोड़, मतलब कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हाँ ये है एक्सिस, ठीक है, तो ये एलिमेंट है, ये एक्सिस है, तो कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, ये सेंटर के जस्ट सामने पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट कर रखा है, तो क्या हमको इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए,
ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको कि कौन सा डिस्टेंस चाहिए? गलत बता रहे हो, एक्सिस से ऐसे सीधे सीधे आप जाओगे ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे एक्सिस तक, तो उस एक्सिस के सेंटर पे नहीं जाना है आपको, एक्सिस तक का डिस्टेंस लेकर आना। यानी कि एसेंशियली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डी डिस्टेंस है और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है बाहर डी डिस्टेंस, ये मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से देखेंगे तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमको। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सिस है और आप इस पॉइंट पे आर डी थीटा लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या आपको पता है? ये आर कॉस थीटा है, ये डिस्टेंस पता है आपको, गिवन है डी, तो अब ये टोटल डिस्टेंस पता लग गया आपको। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, अब आई निकालने के लिए क्या कहेंगे आप? इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग एम बाय टू पाए डी थीटा, आर आर कैंसिल हो गया, इनटू दिस स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा इस केस में? डी ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से एक्सिस तक का डिस्टेंस। डी कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा? सॉरी, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा? ज़ीरो से टू पाए, एक ही एलिमेंट लिया है, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, टू पाए में कंप्लीट होगा ये, बाकी सारा एडजस्ट हो जाएगा। क्या आंसर आया इससे? कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है आपको, तो ये तो सिंपल हो गया आपका, डी थीटा को इंटीग्रेट किया तो ये एम डी स्क्वायर हो गया, सीधे एम डी स्क्वायर हो गया ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कैसे होता है कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन? कॉस टू थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू, ऐसा कुछ आता है। कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा इस पूरे रेंज में जीरो हो जाता है, वन बाय टू का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा बाय टू यानी कि पाए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ पाए, पाए आएगा, टू पाए आएगा, वो देख लो आप, पाए आएगा। ठीक है, थीटा बाय टू आ गया और उसको इंटीग्रेट किया आपने, तो थीटा बाय टू को टू पाए बाय टू पाए। ठीक है, इसका पाए आ गया, तो पाए आर स्क्वायर अपॉन टू ये हो गया प्लस हाफ एम आर स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, डिस्टेंस समझा देते हैं, डिस्टेंस एग्जैक्टली ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, सो ये है, हमने ये रिंग बना रखा है बोर्ड में, और एक्सिस कहाँ पे है? एक्सिस यहाँ से कुछ पैरेलल डायरेक्शन में बाहर पे है। ठीक है, उस चीज़ को पलट के यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसको आप ऊपर से देखेंगे तो ये यहाँ कहीं पे दिखाई देगा। ठीक है, और फिर एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का डी स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वायर ले लीजिए जिसका भी है, गोपाल मेरी मोबिलिटी लिमिट हो जाती है इन सब के चक्कर में। अब इसका यूज़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं आप, इसका यूज़ करके, ये वाले रिजल्ट का यूज़ करके यहाँ पे निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो वो अभी नहीं निकालेंगे, वो निकालेंगे असाइनमेंट में। ठीक है,
था, क्या बोल रहे हैं? हाँ, सो आपसे हम लोगों ने होलोस्फीयर का एक रिज़ल्ट निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। उसका वैल्यू है 2/3 mr², और उसमें एलिमेंट क्या लिया था? उसमें एलिमेंट हमने लिया था रिंग एक्सिस, जिसके सेंटर से जा रहा था ऐसे रिंग्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एलिमेंट लो जिसमें ये इस तरह के वर्टिकल रिंग्स हो, तो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा पूरा कवर होता है। ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने कि ऐसे रिंग्स को मिला के आपको यही स्फीयर बनाना है। रिज़ल्ट ऑब्वियसली सेम आएगा, बट ये चीज़ आपको असाइनमेंट में करनी है इसका यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ पे ऑफकोर्स आपको इस रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने निकाल लिया है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग चलो उससे पहले कि हम लोग सॉलिड स्फीयर पे जाएं, ये जो रिज़ल्ट था 2/3 mr², ये आया था आई, ये किसके लिए था? फुल स्फीयर के लिए, फुल होलोस्फीयर के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैंने कहा आधा होलोस्फीयर है, ऑफ मास m, रेडियस r, फुल नहीं है अब हाफ है, मास m, रेडियस r। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, तो एक आंसर आया 1/3 mr², जो कि गलत है, जो कि मोस्ट ऑब्वियस है। क्या गलती है इसमें? हाँ, सो अगर आप कहते हैं कि चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² है, आधे स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर इसको आधा काट देते हैं तो फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होना चाहिए 1/3 mr². ऐसा सोचते हुए हमने 1/3 mr² रिस्पांस दे दिया, बट इस केस में क्या हुआ? इस केस में आधा काटने से इसका मास भी तो हाफ हो गया था। अब वो एडजस्टमेंट करोगे, मास को डबल करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये m की जगह 2m रख दोगे, तो हो जाएगा 2/3, ठीक है। सो ओरिएंटेशन मेन चीज़ है यहाँ पे, आधा स्फीयर होगा तो आधा आ जाएगा आई, ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और होता है 2/3 mr² ही होगा। यहाँ पे एक और चीज़, एक उससे बेटर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हमने निकाला फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, कितना आया था रिजल्ट? हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इस डिस्क को आधा कर दो, ये डिस्क चला गया नीचे वाला, इधर वाला डिस्क बचा है, ठीक है। इसके अबाउट आई क्या होगा? गिवन इसका मास एम है और रेडियस आर है, आधे डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा, मास में सारा कुछ एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हमने और तोड़ दिया, थीटा एंगल का एक टुकड़ा ले लिया, उसका मास एम है, उसका रेडियस आर, तब भी हाफ एम आर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब एसेंशियली हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इस डिस्क को तोड़ के घुमा के वापस रैप करके दो आधे डिस्क बना दे रहे हैं। तो हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस था, पहले जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस, चलो उसको थोड़ा दिखा देते हैं आपको। शुरू में पूरा डिस्क था, फिर हमने क्या किया, इस डिस्क को तोड़ा और नीचे वाला पार्ट को घुमा करके इसी के ऊपर रख दिया, ठीक है। अभी भी ये डिस्क ही है, डिस्क ऑफ मास एम, रेडियस आर। अगर मैं पूछता यहाँ पे कोई पार्टिकल ए है, पहले ये पार्टिकल कहाँ पे था जब हमने घुमाया नहीं था, तो ये यहाँ पे था, ठीक है। इसका डिस्टेंस यहाँ से अगर 5 मीटर था, तो ये डिस्टेंस भी 5 मीटर ही था, मास सेम था, एम आर स्क्वायर सेम ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों चेंज होगा? हर पार्टिकल के लिए ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। इसीलिए कुछ इस तरह की जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उसका अगर आप टुकड़ा भी ले लो, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो वैलिड रहता है। अब मास वाइज चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, बट फॉर्मूला आपका एक तरीके से वैलिड रहता है उस केस में, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
सॉलिड स्फीयर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस सेंटर एक्सिस। क्या एलिमेंट ले सकते हैं? डिस्क ले सकते हैं और हॉलो स्फीयर भी ले सकते हैं। मैं हॉलो स्फीयर लेके सॉल्व करूँगा डिस्क वाला आपके असाइनमेंट में, ठीक है? आसान काम निपटा दिया आपने, हार्ड वाला हमको दे दिया, ठीक है, तो वही अच्छी बात है। ओके, सो हमने एक हॉलो स्फीयर ले लिया रेडियस स्मॉल आर पे ऑफ विड्थ डी आर, ठीक है। इस हॉलो स्फीयर का मास कितना होगा? रेडियस स्मॉल आर पे विड्थ डी आर का हॉलो स्फीयर है, इसका एरिया कितना होगा? 4πr² × dr, उसकी जो विड्थ है, ये एरिया होगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा सॉरी, ये इसका वॉल्यूम होगा। हाँ, एरिया 4πr² होगा इंटू dr इसका वॉल्यूम होगा, और टोटल जो मास है अपॉन टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे हमने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा dm, ठीक है। इस स्फीयर का आई क्या होगा? तो आप कहोगे अभी अभी फॉर्मूला निकाला है, 2/3 × mass × radius² तो 2/3 × ये मास है इंटू रेडियस कितना है इसका, इस स्फीयर का स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हॉलो स्फीयर का, इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा? 0 to r, बस कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है। बाकी काम आप लोग को करना है डिस्क वाला। कितने क्वेश्चन हो गए आप लोग के असाइनमेंट में पेंडिंग? 10-12 हो गए होंगे मेरे ख्याल से। 10-12 तो कुछ नहीं है, जैसा आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसके हिसाब से। आजकल ईडी में तो डेली 4-5 सॉल्व करते होंगे, जो मेरे 4 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन रहता है। क्या हुआ क्या? अरे सब बदल जाएगा आपका, विद टाइम। अभी ईडी सॉल्व करो बढ़िया से, ग्रेफेट सॉल्व कर लोगे फिर जाके दो दोगे इंटरव्यू को। ईडी आता है बोलना सीधे। क्या चेंज हो गया? क्या हो गया? ओवर हो गया मतलब होमवर्क हो गया। अच्छा, होमवर्क में कन्वर्ट हो गया, असाइनमेंट में नहीं रहा, ठीक है। होमवर्क तो तुम लोग करने से रहे। कोई नहीं करने वाला, जो करने वाला है वो 2-4 दिन करेगा, 5वें दिन नहीं करेगा। तब हो सकता है एक आध सर्वाइव कर जाए, गोपाल के बारे में जिसे आपने नॉमिनेट कर ही दिया है और आप लोगों को पता है वो आपकी टेंशन है, तो ठीक है, वो होमवर्क में कन्वर्टेड है। मेरा असाइनमेंट तो आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है। सो ये सारा कुछ हमने क्या बात की, ये सारी बातें कर ली। ओके, पिछले साल भी हम लोग एक बात कर चुके हैं, अभी भी वो फिर से बात वैसी वाली करने वाले हैं, ठीक है। सो मैरी गो राउंड वाला एग्जांपल मैंने लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, और उसमें क्या किया था, मैरी गो राउंड है, ठीक है, ये हो गया उसका सेंटर, ये घूमने वाला है एट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, या इसको घूमने में टाइम पीरियड लगते हैं टी, 5 सेकेंड्स मान लेते हैं एक राउंड मारने में, ठीक है। तो सेंटर पे बिठा दिया किसको, आज इस बार ज़्यादा वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो यशवंत इसको सेंटर पे बिठा दिया, ठीक है, और ठीक है 5 और वॉलंटियर चाहिए, ठीक है। सुरेश का नंबर बहुत दिन से नहीं आया, तो शंकर का नंबर नहीं आया, ठीक है, तो शंकर को इधर बिठा दिए, ठीक है, और यहाँ पे बिठा दिए सुरेश को, ठीक है, और श्वेताब को यहाँ पे बिठा दिए, और कौन नहीं आया, पलाश नहीं आया बहुत दिन से, ठीक है। पलाश को किधर बिठाना है? पलाश को उधर बिठा दिए ऊपर, ठीक है, ओके, इतना काफ़ी है। तो इस प्रोसेस में टाइम पीरियड टी कह दिया गया है 5 सेकेंड्स इसके घूमने का। 5 सेकेंड्स में क्या होता है, ये पूरा मैरी गो राउंड जो है, मैरी गो राउंड नहीं, जायंट व्हील बोलते हैं इसको, ये एक चक्कर घूम जाता है, ठीक है। सो इस प्रोसेस में यशवंत को क्या दिखाई दे रहा है,
पाँच सेकेंड अभी पलाश मेरे जस्ट ऊपर है, ठीक है, पाँच सेकेंड बाद वो वापस घूमकर मेरे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सुरेश उसको दिखाई देता है मेरे थोड़े साइड में यहाँ पे, पाँच सेकेंड बाद मेरे से घूम के मेरे चारों ओर से साइड में मेरे वापस आ जाएगा, पाँच सेकेंड बाद सारा कुछ रिपीट होना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सबका टाइम पीरियड 5 सेकेंड्स है, ठीक है। अब सुरेश क्या बोलेगा, सुरेश यहाँ पे बैठा हुआ है, सुरेश को क्या दिखाई दे रहा है, सुरेश को क्या दिखाई दे रहा है, यशवंत किधर है, यशवंत थोड़ा इधर साइड में है, ठीक। हाँ, सुरेश को यशवंत घूमता हुआ दिखाई देगा, सुरेश को दिखाई देगा यशवंत मेरे साइड में यहाँ पे था, 5 सेकेंड्स बाद घूम के वापस इधर आ गया, ठीक है। पलाश मेरे उधर कुछ साइड में था, 5 मिनट्स बाद घूम के वापस वहीं आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है या उसके करिस्पॉन्डिंग ओमेगा है वो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स हो जाती है, एक रिजिड बॉडी के लिए। अब अगर मान लो सुरेश पे कुछ स्प्रिंग लगा होता तो ऐसा नहीं कह सकते थे, पलाश अभी इधर है, थोड़े देर बाद तभी एकदम आराम से एकदम पास आ गया, नज़दीक आ गया, टक्कर होने वाली एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो केवल रिजिड बॉडी के लिए ये सारा कुछ वैलिड है। रिजिड बॉडी मतलब जिसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका एक दूसरे से डिस्टेंस रिलेटिव पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा विद टाइम कंपेयर टू फ्लेक्सिबल बॉडी। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, ओमेगा फिक्स है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या काम आएगी तो हम लोग देखते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, ये एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें दो तीन पार्टिकल्स देख लेते हैं, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3, ठीक है। पार्टिकल 1 का डिस्टेंस है r1 और इसका मास कुछ dm1 कह दो, इसका मास कुछ dm2 कह दो, r2, और इसका R3 DM3 DME कह देते हैं, सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्म डेंसिटी के ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं R3 और ये पूरा इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो R3 का वेलोसिटी किधर होगा, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, तो ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इधर कुछ वेलोसिटी होगी, इधर कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी होगी वेलोसिटी R1 की, वेलोसिटी मैं पूछूँ तो ओमेगा R1 होगा इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी ओमेगा R2 इस डायरेक्शन में, एंड सो ऑन। तो अगर मैं पूछूँ इस पूरे सिस्टम में अलग अलग पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे के ही लिखने के लिए मैं कहूँगा हाफ एम V1 square M1 जो है हाफ M1 V1 कह देंगे ओमेगा इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ M2 ओमेगा R2 का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अलग कॉमन सबके लिए सेम है, रिजिड बॉडी है तो ये बात हमने की, तो उससे क्या हो जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिग्मा MR2। इसी चीज़ को हम कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सिस। आप एक्सिस चेंज कर दोगे, आर चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, जैसा हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे कंसेप्ट है, उसको डिफाइन करने के पीछे, कि उससे काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की एक तरीके से डिफाइंड होती है अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। सो अब इस प्रोसेस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब हम लोग फोर्सेस पे, टॉर्क पे जाते हैं, किसमें, जायंट व्हील में क्या डाउट है, हाँ उसको क्या करना है, जैसे आप अभी बैठे हुए हो, आपको आप क्या खुद को मूव करते हुए देख रहे हो, कभी ट्रेन में बैठे रहते हो, ट्रेन में आप क्या खुद को मूव करते हुए देख पाते हो, नहीं, आप अपने लिए हमेशा रुके होते हो, आपके लिए दुनिया चलती है या घूमती है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखते हो पलाश यहाँ पे था, अब उस पूरे प्रोसेस में जब झूला घूमता है तो आप देखते हो पलाश ऐसे मेरे से नीचे होके वापस घूम के ऐसे आ गया, तो मैं भी सांस में घूम रहा
आप घूम रहे हो, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ पूरे झूले एक साथ घूम रहे हैं। अच्छा, आप रोटेट कर रहे हो ऐसे करके? नहीं नहीं, आप वैसा रोटेट नहीं कर रहे, आप स्टैटिक हो, ठीक है? सीधा वो जो फ्लेक्सिबल टाइप का झूला होता है ना, वैसा है, ठीक है? आप साथ साथ ऐसे पकड़ के उसको नहीं खड़े हुए हो कि साथ साथ घूम जाओ टाइप का सिस्टम नहीं है। ऐसा भी होता है क्या कि साथ में घूम जाते हैं? झूले में नहीं बैठे हो क्या आप? हाँ, ये कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। अच्छा, मतलब आप भी एक तरीके से बंधे हुए हो ऐसा आप सोच रहे थे? नहीं, आप नहीं बंधे हुए हो, आप वहीं पे रहोगे, फ्लेक्सिबल ज़मीन है, आप साथ साथ फिसलते जाओगे, वर्टिकली रहोगे ऐसा मान के चलो, ठीक है? बाकी आपको ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप देख सकते हो, अगले बार जब आप मेले वगैरह में जाओ तो रिक्वेस्ट कर सकते हो सामने वाले से, सामने वाला एंटरटेन नहीं करेगा ये बात अलग है। फिर आपको झूले में चढ़ने ना दे तो मेरी कोई गारंटी नहीं ऐसा कुछ, ठीक है? सो हाँ, सो ये बात हुई काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को कह दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है? ओके, सो अब टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क की बात करें, चलो टॉर्क की बात करते हैं। स्पेस में डंडा रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ नीचे एक रॉकेट लगा देते हैं, ठीक है? ये रॉकेट इस पर फोर्स लगा रहा है, डिटैच्ड रॉकेट है, वो सिर्फ ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। अच्छा चलो ठीक है, एक गेम मैं आपको दे दूंगा, वो गेम थोड़ा खेलना तो आपका इमेजिनेशन डेवलप होगा, रोटेशन और ट्रांसलेशन वाला, ठीक है? हेलो किटी टाइप का ऐसा कुछ गेम है, मैं शायद डिलीट कर दिया हूँ, मेरे को याद नहीं, देखता हूँ मैं ढूंढ के, तो उसमें आपको आइडिया मिलेगा। तो इस इंस्टेंट पे ये स्पेस में रॉड है, तो इसका क्या होगा अगर इस तरीके से रॉकेट इसको फोर्स लगा रहा है? तो रोटेट, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है, चलो ये सेंटर ऑफ मास है रॉड का, क्या ये अपनी जगह में रहेगा? ये भी अपनी जगह से ट्रांसलेट करेगा, ठीक है? और ये जो पूरा रॉड है ये रोटेट भी करेगा, ठीक है? सो सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो आप सीधे सीधे कह सकते हो मास ऑफ दिस बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ऐसा करते हुए फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है वो इसके अकॉर्डिंग बिहेव करने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? अब इस प्रोसेस में हम लोग टॉर्क डिफाइन करते हैं, तो टॉर्क वगैरह की बात मैं आज नहीं करता, मैं नेक्स्ट टाइम ही करते हैं। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करते हैं, एक और क्वेश्चन निपटा देते हैं टॉर्क वाला नेक्स्ट क्लास में। कोन, ये रेडियस जो है आर है, ये हाइट जो है एच है, कोन और मास एम, ठीक है? अबाउट दिस सेंटर एक्सिस रोटेट करना है इसको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? और हॉलो कोन है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है, जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना आप लोग, वो वाला कोन के टाइप, बिना आइसक्रीम के खाली कोन है, डिसअपॉइंटिंग। एलिमेंट क्या ले रहे हैं? रिंग, ठीक है, रिंग का बढ़िया एलिमेंट है। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला मेरे को याद नहीं, 1/3 आता है शायद, 1/3, अच्छा वॉल्यूम आता है, पता नहीं मेरे को।
मेरे को पता नहीं, निकालना है तो उसको भी निकाल लो इंटीग्रेशन से। सरफेस एरिया निकाल सकते हो इसका इंटीग्रेशन से? कैसे निकालेंगे? नहीं वो ठीक है, हाँ ठीक है, अभी बहुत सारे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे? हाँ वैसा कुछ मानते हुए एरिया निकाल सकते हैं। निकालिए, निकाल सकते हैं? नहीं, स्लोप पता है हमको, थीटा एक तरीके से फिक्स है अगर सेंटर से थीटा मान ले तो। चलो एरिया मैं निकाल रहा हूँ, बाकी आप देख लो। तो यहाँ से किसी डिस्टेंस Z पे एक रिंग ले लिया DZ का, ठीक है, तो ये है DZ और Z, ओके। उस रिंग का एरिया कितना होगा? ये जो रिंग है हाँ हाँ, तो वो आप कह सकते हैं R by H equals to this by this type की बात, तो एक वेरिएबल में आ जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एक वेरिएबल में आएगा उसके टर्म्स में, मतलब बाकी सारे तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल इनटू दैट थिंग के टर्म्स में आ जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ वैसे कर लीजिए, तुम भी बन जाओ साइंटिस्ट। वही बोल रहा था ना कुछ नहीं, ठीक है चलो ठीक। अच्छा मैंने गलत सुन लिया होगा, Z डिस्टेंस पे DZ का एक रिंग ले लिया है, उसका एरिया कितना होगा? मैं एरिया निकाल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। इस रिंग का एरिया Z के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, ये DZ है, वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहा हूँ। हाँ इस हाइट के अलॉन्ग एक रिंग एलिमेंट लिया मैंने ऑफ विथ DZ, तो वो एक रिंग बन जाएगा, उस रिंग का कुछ विड्थ होगा, ये DZ है, ये थीटा है, तो विड्थ कितना हो जाएगा इसका? बाय कॉस थीटा DZ। अच्छा ये थीटा है, तो चलो वो सब बात मैं सॉल्व करता हूँ, आप अपना सॉल्व करो, ठीक है। सो ये रिंग हो गया, रिंग का लेंथ इतना और रिंग का रेडियस यहाँ पे कुछ होगा स्मॉल r, तो स्मॉल r हो जाएगा आपका z इंटू कैपिटल R बाय h, ठीक है। और इसका लेंथ हो जाएगा dz, तो इसका विड्थ है, dz तो ये है थीटा, ठीक है, dz बाय cos थीटा इसका लेंथ हो जाएगा, तो dl हो जाएगा dz बाय cos थीटा। cos थीटा क्या चीज़ है? ये थीटा है अगर, तो tan थीटा cos थीटा हो जाएगा आपका दिस बाय दिस, यानी कि r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ऊपर में, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर dz अपॉन का रूट अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा, तो परपेंड बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि एच बाय दिस थिंग। तो ये डी एल हो गया, ये आर हो गया, एरिया हो गया टू पाए जेड आर बाय एच इंटू दिस थिंग आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय एच इंटू डी जेड, ये एरिया हो गया स्मॉल एलिमेंट का। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से एच, तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया का। बाकी आप किसी और चीज़ का आंसर निकालना चाह रहे हैं
तो पाई आर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एरिया आ गया कोन का, सरफेस एरिया, ठीक है। इसी चीज़ को आप एल बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, पाई आर एल आप बोल रहे थे ना, सरफेस एरिया। टू एम बाय, ये क्या चीज़ है, टू एम बाय एच स्क्वायर, बाय एच स्क्वायर, फिर से बोलेंगे, ऐसा बोल रहे थे क्या, टू एम बाय एच, ये क्या चीज़ बोल रहे हैं। हाँ तो वही, वो समझ में आ गया आपको, बड़ी मिस्टेक है इसमें, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डायमेंशनल मिस्टेक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग ट्राई कर ही रहे हैं। तो इस रिंग का एरिया एलिमेंट तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस रिंग का मास कितना हो जाएगा फिर, इस रिंग का मास हो जाएगा, हाँ विदाउट, नहीं ओके, तो इस रिंग का मास हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया। तो टोटल एरिया हमने निकाला पाई आर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू ये वाला एरिया, ये क्या चीज़ है, अजीबो गरीब है, टू पाए जेड आर वाई एच रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच इंटू डी जेड। क्या क्या कैंसिल हो गया, आर रूट और आर रूट ये कैंसिल हो गया, ठीक है, पाए कैंसिल हो गया बाय एच स्क्वायर, तो ये हो गया टू एम जेड बाय एच स्क्वायर डी जेड, ये हो गया आपका डी एम, और आई हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ दिस इनटू, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर यानी कि जेड आर बाय एच, तो जेड आर बाय एच का स्क्वायर इनटू दिस थिंग टू एम जेड डी जेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, z कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक, z 4 बाय 4, z क्यूब हो गया, z क्यूब का z 4 बाय 4, तो बचा हाफ m r स्क्वायर, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा आया है। मैंने अजीबोगरीब तरीके से किया है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने, हाँ मैंने ये डी जेड इसको लिया है, जेड और डी जेड वेरी कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ये रिंग एलिमेंट मैंने लिया हुआ है। बहुत इंटीग्रेशन आप लोग कर चुके हैं, तो कौन सा स्टेप कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा कौन सा पहला स्टेप कौन सा आखिरी स्टेप, मैं सारा मैसअप कर रखा हूँ, वो आपकी दिक्कत है। हाइट पे, हाँ ये रिजल्ट तो ऐसा ही बोल रहा है, दोनों का सेम आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, क्या इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन है, वो बात करेंगे हम लोग, वो मेन रीज़न है इस क्वेश्चन को देने का। तो आई आ रहा है हाफ एम आर स्क्वायर, डी एम क्या है, डी एम है ये जो रिंग मैंने बनाया है डी जेड विड्थ का, इस विड्थ के रिंग का एरिया, सॉरी हाँ अच्छा वैल्यू कितना है, टू एम जेड डी जेड अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, फॉरेन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ठीक से लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में,
टू एम, अब टू और जेड भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो जेड ऐसे लिख देता हूँ, डी जेड अपॉन एच स्क्वायर। ये कैसे आया? ये आया है कैसे आया, मेरे को ले जाना पड़ेगा तुम लोग को, डी ए इतना आया, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया, एरिया भी निकाला हम लोगों ने, एरिया इतना आया निकाला है हमने, ठीक है। तो मास पर यूनिट एरिया इनटू दिस एरिया रूट कैपिटल आ रहा है। स्मॉल आर को तो हमने शुरू में ही निपटा दिया, स्मॉल आर इक्वल्स टू जेड कैपिटल आर बाय एच, सारा कुछ प्रोसेस करके लिखा है, ठीक है। मेथड आप देख लो, और मेथड मैंने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेशन हो ज़रूरी नहीं है। पर आंसर देख रहे हो, आंसर कैसा दिख रहा है, आंसर में एच किधर है, एच चला गया, एच है ही नहीं, हाफ एम आर स्क्वायर आंसर आ रहा है। ऐसा कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है हमने? डिस्क के केस में हमने देखा है, उसके भी सेंटर से अगर एक्सिस पास हो रहा हो तो उसका आंसर जो होता है हाफ एम आर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे भी हाफ एम आर स्क्वायर आ रहा है, एच यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चाहिए कौन की हाइट कम होती, ज़्यादा होती, कुछ भी होती, आंसर यही आता है, ऐसा ये रिजल्ट बोल रहा है। क्या ये सेंस बनता है? नहीं, एच और आर गायब, एच और आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हाँ, तो ये आइडिया लगाना चाहिए आपको, ठीक है। डिस्क है, डिस्क को पकड़ के खींच दिया नीचे, सारे जो ब्लॉक्स, सारे जो मासेस थे उनको बस वर्टिकली आपने नीचे खींच दिया, ठीक है। थोड़ी डेंसिटी वगैरह में फ़र्क आएगा वगैरह वगैरह, पर किसी भी डिस्टेंस पे आप देखेंगे तो उतना ही मास है। बस आपने उस डिस्क को या तो कंप्रेस कर दिया है कोन को तो डिस्क बन जाएगा, डिस्क को खींच देंगे तो कोन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे और डिस्टेंस पे, दोनों सेम है। रॉड कैसे बनेगा? ऐसे कंप्रेस करेंगे तो डिस्क बन गया, मतलब। अच्छा चलो, ये है सिलेंडर, ठीक है। कैसे कंप्रेस करना चाह रहे हैं? इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो प्लेट बनेगा ना। अच्छा हाँ चलो, एक गोपाल क्या कह रहे हैं, इसको आप कंप्रेस करो, ऊपर से कंप्रेस करो और इधर से कंप्रेस करो, या एक बात कहते हैं कि सब डायरेक्शन से एक साथ कंप्रेस करके आप उसको अगर रो बना दोगे तो वो बन जाएगा रॉड, ठीक है। हाँ सो वही बात कर रहे हैं। सो ये इसको भी वैसे ही लग रहा है कि अगर यहाँ से ऐसे कंप्रेस कर देते हैं तो बन जाएगा रॉड। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल नहीं होगा। चलो ठीक है, अगर आप यहाँ से कंप्रेस कर रहे हैं तो डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, मास उतना ही है, डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। हाँ, अब अगर आप इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो डिस्क बन जाएगा और कोई भी पार्टिकल अपने डिस्टेंस से आगे पीछे नहीं हुआ इस प्रोसेस में। तो इस कंप्रेशन में आप कह सकते हैं कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा वही होगा। तो डिस्क के लिए और सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेम होना चाहिए, होगा। तो अगर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, जो डिस्क का भी होता है। हाँ क्या बोल रहे थे? स्फीयर को कंप्रेस करेंगे तो डिस्क बन जाएगा, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो डिस्क यूनिफॉर्म नहीं होगी, सेंटर पे बहुत ज़्यादा मास रहेगा, साइड्स में मास कम रहेगा, तो आप उसको रेगुलर डिस्क से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। डी एम कहाँ पे? डी एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मेजर किए? यहाँ पे डी एम तो किस चीज़, हाँ यहाँ पे ना डी एम इधर है
और ये है आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, ये है आपका डीएम। हाँ, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर कहाँ से आया, कैसे मेजर किया? ठीक है, इस केस में क्या है डिस्टेंस, इस केस में जो इस केस में हम लोगों ने एसेंशियली कहा है रिंग के पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको कह दिया स्मॉल आर। ठीक है, हमको पता है ये जेड है, ये आर है, ये एच है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाय जेड, टेन थीटा हो जाएगा कैपिटल आर बाय जेड, दोनों कंपेयर कर दिए, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, उसको वहाँ पे पुट कर दिया डायरेक्टली। हाँ, हाँ फिर से बोलेंगे, मैं समझ नहीं पाया, ये एक्सिस है, एक्सिस ऐसी रखना है, कर्व सरफेस के टेंजेंशियल, मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ आपका बात। हाँ, ये है सिस्टम, कहाँ क्या पुश करना है, किसको क्या कंप्रेस करना है बताएंगे, एक्सिस सेंटर में है, एक्सिस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सिस को सरफेस पे ले आ रहे हैं, तो एक्सिस जो है यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब डिस्क का अच्छा, ओके, नहीं बट हाँ क्या चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो था इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस था, ये सारे पार्टिकल का डिस्टेंस ये ज़्यादा था, जब आप इसको कंप्रेस करेंगे, अच्छा आप ऐसे कंप्रेस करना चाह रहे हैं, ऐसे कंप्रेस करेंगे तो सारे नहीं, ये डिस्टेंसेस चेंज हो जाएगा, इस पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट यहाँ से ऐसे दूर है, जब आप कंप्रेस करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा, अब ऐसा कोई हो सकता है कुछ बहुत सिंप्लीफाइड मॉडिफिकेशन हो सकता है ना हो, पता नहीं। ठीक है, ओके, सो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, फोर्स इक्वेशन टॉर्क वगैरह की बात हम लोग करते हैं।